बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तो सुल्तान, फरीदा जित तन बिरहा ना उपजे सो तन जान मसान। सतसंग जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज का मेरे साखी का विषय बाबा शेख फरीद जी का प्रभु प्रति प्यार। बाबा शेख फरीद जी जिदा कि असी सारे जानते हाँ, शेख फरीद जी के नाम तो असी सारे जानते हैं, पर उन्हां दा पूरा नाम हज़रत बाबा शेख फरीद मसौद गंजे सगर सी। उन्हां दा जन्म 1173 ईस्वी पिंड खोतवाल जिला मुल्तान विच होया। पिता जी उन्हां दे जमालुद्दीन जो कि सूफी सन, अते माता मरियम जी जो ईसाई सन, बड़ी ही कृपालु दयालु अते प्यार दी मूरत सी। बाबा फरीद जी दे मुरसद दा नाम ख्वाजा बख्तियार काकिसा सी, अते उन्हां दे गद्दी च बैठे हजरत निजामुद्दीन औलिया सन। बाबा हजरत निजामुद्दीन औलिया दे मुरीद बाबा फरीद जी बने। बाबा फरीद जी 8 साल दी उम्र ते उन्हां नूं सारी कुर्बान कुरान अते मजीद कंठ हो गई सी। गंजे शकर उन्हां दा नाम पाया। तीन मनोरथा यह हैं। पहला, जदों बाबा फरीद जी नमाज़ पढ़ते सन तो उन्हां दी माता मसूले दे थले शक्कर रख जांदी सी अते ओ नमाज़ पढ़न तो बाद ओ शक्कर खा लेंदे सन। अते दूजी मनोरथ यह है ता जो बाबा फरीद जी ने रोजे रखे हुए सन अते उन्होंने जदों रोजे तोड़े तो उन्होंने घर वास्ते कुछ भी नहीं सी। अते उन्होंने घर दी कोने च एक मिट्टी चुकी अते उसनू मूँह विच डालिया ता जो वो शक्कर बन गई। अते तीजी मनोरथ यह है कि जदों भी बाबा फरीद जी दूजे नाल गल करते सन वो मानो इस तरह करते सन जिवें कि उन्हां दे मूँह विच शक्कर हो। इन्ना मिठा बोलते सन कि सामने वाला उन्हें सुनदा ही रहिंदा सी। बाबा फरीद जी 12 साल की उम्र से ही घर छड़ दिता अरे बाहर जा के घोर तपस्या की। बाबा जी अलौकिक शक्तियां दा मालिक होना चाहते सन अते बाबा फरीद जी ने अलौकिक शक्तियां प्राप्त करने लई घोर तपस्या की। एक बारी की होया, जदों बाबा फरीद जी एक दरख्त नूं देख रहे सन तो उन्होंने वेख्या सारी चिड़ियां बैठी हुई सन। उन्होंने दिमाग में ख्याल आया, मैं अपने अलौकिक शक्तियां नूं चैक करदा हाँ। और जिवें ही उन्होंने चैक कीतियां दसिया सारी चिड़ियां मर जाओ तो चिड़ियां सारी मर गई अते सारी चिड़ियां उड़ जाओ तो सारी चिड़ियां उड़ गई। तो वह सोचे मैं अलौकिक शक्तियां दा मालिक बन गया हाँ। एक बारी वो तुरे जा रहे सन अते उन्होंने जल्दी प्यास लगी। एक स्त्री खूह विचों जिवें कि पानी डोल रही सी, उन्होंने उन्हें कहा मैंने प्यास लगी है तू मैनू पानी पिला दे। तो उन्होंने कहा मेरे भैन के घर विच जो कि इतों कुछ दूर च है उत्थे अग लगी हुई है, मैं उन्हें बुझा रही हाँ तो तुसी मैनू पानी मंग रहे हो। तो वो स्त्री अख बंद कर दे गायब हो गई। अते बाबा फरीद जी समझ गए यह मेरी पुल सी, अजे मैं अलौकिक शक्तियां दा मालिक नहीं होया हाँ। फिर उन्होंने होर 12 साल होर तपस्या करन लई निकल पाए। तपस्या करद्या करद्या उन्होंने जदों मौलाना रूम तो उन्होंने सामने आए अते मौलाना रूम जितो ही बाबा जी ने रूहानियत की पहली झलक मिली अते मौलाना रूम नू समस्त तरबेज तो रूहानियत की पहली झलक प्राप्त हुई सी। ते सानू ये समझना चाहिदा है कि जदों भी असी एक मतलब प्यार विच पए हाँ, जदों प्रभु की खिच पई हुई है, वो खिच तपस्या करिए पाठ करिए जा कुछ भी करिए जदों तक नहीं आती, वो जदों तक उन्हें प्रभु परमात्मा की अपनी कुछ मेहर नहीं होंगी, वो किसी ना किसी द्वारा ही प्राप्त होंगी है।
किसी भी तरह भी प्राप्त हो जाती है। एक बारी बाबा मौला अपने मौला तो मिलन वास्ते तुरे, जाओ इन्नी मीह पई वो रुक ना सके, फिर भी वो जान लगे, उन्हें मुँह से एक शब्द निकलिया, बाणी पढ़न लग पाए। फरीदा गलियां चिकन दूर कर, नाल प्यारे ने हैं, चला तो पिजै कमली, रहा तो टुटे ने हैं, पिजो सिजो कमली, अल्लाह वरसे ने हैं, जाए मिला तिना सजना, टुट नाही ने हैं। इन पंक्तियां का अर्थ बड़ा ही गहरा है। अते ए पंक्तियां इंज हन जिवें कि मीर जिवें कि जल तो बिना मीर नहीं रह सकती। इस तरह बाबा फरीद जी तुरे जा रहे हैं अपने मौला नूं मिलन लई। इस मतलब इंज खिंच पैदा हुई है बाबा फरीद जी के अंदर सच्ची रूहानियत दी, जदों पहली चरछात पाई उन्होंने, ता जो वह रह नहीं सके अते वह तपस्या करदे करदे असली मालक नूं प्राप्त किया। अते मेरे आखिरी कंक्लूजन ये निकलता है साखी का कि असी अपने मनुख जीवन नूं इवें पढ़िए, इवें समझिए, इवें जीना चाहिदा है, ता जो असी हलत ते पलत चंगी तरह सवार सकीए। जिवें कि मेरे बाणी आंदी है, पले निंदो लो तन मन राम प्यारे जोग, पले निंदो लो तन मन राम प्यारे जोग, मैं बोरी मेरा राम पताल, मैं बोरी मेरा राम पताल, रच रच ताको करो श्रृंगार, रच रच ताको करो श्रृंगार, पले निंदो लो तन मन राम प्यारे जो। ए साखी दा मनोरथ ए है, असी जिवे कोई भी साड़ी निंदा करे, सानू भला करे, बुरा कहे, असी किसे दी भी परवाह ना करदे हुए प्रभु प्राप्ति लई अपना जीवन सफल करिए। एक शब्द मैं बाबा फरीद जी दे एक पंक्ति पढ़ते हुए यह कथा समाप्त कर दी हाँ। सिख फरीद खैर दीजे बंदगी, सिख फरीद खैर दीजे बंदगी, तेरी पनह खुदाए तू बख संदगी, तेरी पनह खुदाए तू बख संदगी, से फरीद खैर दीजे बंदगी, रते के विसर आज ना नाम से पूए फाती, विसर आज ना नाम से पूए फाती, सिख फरीदे